वालेकुम भाई, जहाँ भी अगर रोके, अगर गलती से भी, अगर रॉन्ग साइड भी अगर रोक दिया, अपन बाजुक भी है, अरे आगे ले, अरे तुरे, अरे किसकी इज्जत नहीं है? ऑटो चला रहे तो क्या इज्जत नहीं होती? हम भी इज्जत वाले हैं भाई, उन्होंने इज्जत वाले ड्रेस पहन लिए तो इज्जत नहीं देते क्या? ये हमारी तकलीफ है भाई, हमारे इज्जत से बात करना चाहिए नो, बस ये थे। तीस साल से कर रही है, हमारे भी थोड़ा टाइम दे दीजिए, हम लोग टाइम ही है थोड़ा भाई। देखो सर, वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन है, गवर्नमेंट है नहीं तो ट्रैफिक रूल्स क्या है, ये की है सर, करेक्ट है। सुनो, विदाउट परमिट, तो परमिट गाड़ी परमिट कहाँ है वो अरवी में कितना गाड़ी, सुनो तो विदाउट परमिट गाड़ी जब आए तो हैदराबाद का आए तो हैदराबाद में अलाउड नहीं होता, अलाउड नहीं होता। पुलिस वाले क्या करते, हमारा को केस लिखना, आरटीओ को हैंड ओवर करना, हम भी अमन सीज करके हमारा पुलिस में नहीं रख रहे, तो वो डायरेक्ट आप लेटर डाल के आरटीओ को भिजा रहे, आरटीओ वाले वेरीफाई करके आपको चलान डालता, वो चलान पेमेंट करे तो फिर वापस देता वो आप गाड़ी। अगर दूसरा बार तीसरा बार हमारा हैदराबाद एरिया में पुलिस स्टेशन फलकनुमा कितना एरिया है वो हैदराबाद लिमिट्स को नहीं आना बोल के फिर समझा के दो बार तीन बार बोल के मैं बोल रहा हूँ, पैसा हम पूछे पास, फिर ऐसा नहीं है, गलत का बात नहीं बात करना, हमारे थोड़ा टाइम दीजिए, नहीं बात करना, एलिगेशन नहीं करना, हमारे को थोड़ा टाइम दीजिए, हम लोग निकाल लेंगे। एक पैसा आपके पास पूछे तो खाली वीडियो करके नहीं है तो कुछ एवरेज करके दे दो, मैं लिख के डायरेक्ट हमारा सीनियर ऑफिसर को इमीडिएट एक्शन के लिए मैं लिख दूं, मैं ऐसा नहीं करना भाई, आप फॉलो करना, पहले आप क्या करें, तुम गाड़ी चलाओ, तुम गरीब लोग हैं, मैं भी बोलूँ भाई गाड़ी चलाओ, मगर अगर परमिट नहीं है तो गाड़ी नहीं चलाना, परमिट का गाड़ी ले लो चलाओ, रूल्स फॉलो करो, हम लोग वही बोल रहे हैं, हम लोग को टाइम दीजिए, हम लोग के वो तो कहते हैं मेरे खुद के गाड़े पकड़े यार, यहाँ से लेके गोमघाट गाड़ी लेके डिपो में चला निकल रहा हूँ, अरे इधर लेके मुद्दे को लेके भर तुम्हें, अरे अरे साहब बच्चे मर गया, मोचे लिखे लेके तो एम टी गाड़ी भी नहीं फिर सकते, अपन एम टी वाले तो लिखे थे कहाँ जा सकते। सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, मेरी पुलिस से यही हुकूमत है, हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है, देखिए 50 वक्त आप चालान कर रही ऑटो वालों को, अनदर स्टेट की गाड़ियां रोक रही नहीं, आप इधर चालान कर रहे, इधर अनदर स्टेट की गाड़ियां छोड़ दे रही, सिटी की गाड़ियां कहां जाएंगे, सिटी की गाड़ियां है एपी 12 एपी 13 एपी 9 एपी 10 वो गाड़ी किधर चलेंगी वो भी बताइए आप, क्योंकि ऑटो वाले के ऊपर चालान डाल दे रहे हैं, 1025 का चालान डाल दिया, सवारी क्या से ऑटो वाला रुका, 1025 का चालान डाल दिया, अभी प्रेजेंट में कुटे पे रुका था बच्चा ऑटो, कानून के नहीं रूल्स के हिसाब से नहीं थे, बाजू पे पैसेंजर रुका, हाथ बता दो पैसेंजर रुका तो रनिंग ऑटो को रोके, हर ऑटो जो है पैसेंजर बता दिया रोक दिया तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी होगी, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है साइड में, ट्रैफिक अगर नहीं समझ के चलेंगे तो फिर ट्रैफिक का प्रॉब्लम सही से आप हल निकाल सकते हो उसका भी, पैसेंजर अगर रोड पे हाथ बताया थोड़ा बाजूक लेके रोक दे, पीछे से फोटो मार ले रहे लोग बैठ के, साइड नहीं ट्रैफिक का बराबर रूल सेट तैयार कर दे, बस स्टैंड पे नहीं रोकते साहब, हर चीज बराबर कर दे, फिर भी पुलिस वाले जो कॉपरेट नहीं करते, कहीं भी बैठ के फोटो मार दे, होटल में बैठ के फोटो मार देते, कई टाइम इससे पहले भी चार मीनार पे हंगामा हुआ था साहब, कितना भी हो गैस के पैसे बढ़ गए, आज तक मीटर नहीं बढ़ा, तो लोग शेयरिंग ऑटो चला रहे हैं, शेयरिंग में भी नुकसान है, ऑटो वालों को शेयरिंग में भी नुकसान है, क्योंकि सामने दो दो तीन तीन बिठा रहे हैं, उसमें भी केसेस हो रहे हैं, एक आदमी भी बिठना नहीं है सामने, पीछे तीन पैसेंजर है, ऑटो यूनियन का इशू, मैं भी ऑटो यूनियन का रहने के वास्ते बात करने आया था, मैं भी केसीआर सेवादल सौजन प्रेसिडेंट हूँ, मैं भी ऑटो का फिलोखत में आया था ऑटो वालों की मदद करने के लिए, मेरा खुद का ऑटो भी पकड़ गया तो मैं वही बात करने आया था, पैसेंजर रोक गए तो पैसेंजर उतारते फोटो मार ले रहे हैं, अब यहीं उतरना है उनको, बाजूक लेके रोकते ही पीछे से फोटो मार ले रहे हैं साहब, उसका भी रीजन चाहिए ना, 200 रुपए ओनर 200 रुपए में रेंट देंगे ऑटो तो 1000 रुपए का चालान बनेगा क्या, ऑटो वाले ए बी 13 जो सिटी के गाड़ी है सिटी में चल रही थी, एक 1000 रुपए का चालान है, यहाँ चालान बढ़ गया ना फिर नेक्स्ट टाइम कोई सवारी रोके तो फिर चालान आता। आज MBNR चौरस्ते में ऑटो ड्राइवर लोगों आके थोड़ा गड़बड़ी करने के लिए ट्राई कर रहे, तो हम इंक्वायरी करे तो
वो पूरा लोगों विदाउट परमिट नियर डिस्ट्रिक्ट गाड़ी है, पूरा डिस्ट्रिक्ट गाड़ी का ड्राइवर्स इधर आके थोड़ा पुलिस वाला को एलिगेशन करने के लिए वो ट्राई करे। एक्चुअली रूल्स क्या है, गवर्नमेंट रूल्स और ट्रैफिक रूल्स, वो परमिट कहाँ है गाड़ी की, वो परमिट परवी में वो एरिया में फिरना, वो परमिट छोड़ के दूसरा एरिया को आए तो पुलिस ट्रैफिक पुलिस को पावर है और गाड़ी पकड़ के सीज करके फिर वो कंसर्न आरटीओ को लिखता बेचता गाड़ी, फिर वो लोग जाके आरटीओ ऑफिस जाके फिर फाइन भरने के बाद फिर आए तो हम क्लियर करने के बाद हम फिर वापस दे रहे गाड़ी। ये लास्ट दो महीने से ये मेन आरटीसी की पूरा नुकसान हो रहा, मैं पूरा ऑटो से ऑटो लो मेन जंक्शन में फिर रहे, रुक रहे, वो ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे और हर जगह में रोड कंजेशन देता, फ्री लेफ्ट में करते, स्टॉप लाइन फॉलो नहीं करते और बसबे में रुकते गाड़ी पूरा आरटीसी की डिस्टर्ब कर रहे। आरटीसी बस स्टैंड में पूरा विदाउट परमिट ऑटो से आके आरटीसी बस स्टैंड में बसबे में रोके, कल तकलीफ हो रहा। इसी के लिए हम ओनली इलीगल का कोई ट्रैफिक रूल्स कौन नहीं फॉलो नहीं कर रहे, वो लोगों को ऑटो को सीज कर रहे, लीगली सीज कर रहे, चलान डाल रहे, फिर पेमेंट करने के बाद ऑटो सीज। सर ऐसे केसेस भी देखने को मिले, एक दिन में तीन तीन चालान हुए व्हीकल पे, तीन चालान और पकड़ा गया वो नहीं है वाला। ऐसा आरटीओ सीज करे तो सुनो सी, तो मैं मीडिया को अपील कर रहा हूँ और पब्लिक को अपील कर रहा हूँ और ऑटो ड्राइवर को अपील कर रहा हूँ, एक बार गाड़ी सीज होने के बाद इमीडिएट दूसरा नहीं लिखने के वो कन्वीनियंट नहीं होता। क्यों बोले तो एक बार लिखने के बाद वो ड्राइवर जाके कंसर्न आरटीओ, सपोज संगारेड्डी गाड़ी, विकाराबाद गाड़ी हैदराबाद को आके फिर रहे, मैं एक बार गाड़ी सीज करने के बाद लिखूँ, मैं लिखने के बाद वो डॉक्यूमेंट लेके आरटीओ को बताना, आरटीओ से आप वेरीफाई करके गाड़ी चलान पेमेंट करने के बाद उन्होंने लिखता गाड़ी रिलीज करो बोल के लिखते, जब मैं लिखता वो करने के लिए इमीडिएट जाके संगारेड्डी जाके दो घंटे में फिर पेमेंट करके फिर आके फिर और एक बार मैं लिखते फिर जाके फिर ऐसा होता, चांसेस ऐसा है नहीं है ना, मिनिमम उनकी